हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं केक। तो फ्रेंड्स, हम केक जो बनाने वाले हैं वो ना ही मैदा से बनेगी, ना ही सूजी इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स, और ना ही बटर डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तीन इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं एकदम लाजवाब केक, और वो भी 5 मिनट में। तो समय को वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, और चलिए फटाफट से बनाते हैं केक। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए आप जिस बर्तन में बनाइएगा वही बर्तन लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने छोटी कढ़ाई ली है फ्रेंड्स। अब इसमें हम 1/2 लीटर दूध डालेंगे। तो दूध हम गर्म नहीं किए फ्रेंड्स, ठंडा दूध है। तो चलिए दूध को डाल देते हैं, और इसमें हम 50 ग्राम चीनी डालेंगे। तो चीनी भी मैंने डाल दी है। अब इसमें हम डालने वाले हैं 50 ग्राम कॉर्नफ्लावर। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लावर भी डाल देते हैं, और थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो आप इसके जगह फ्रेंड्स वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो इलायची से ही बहुत अच्छी फ्लेवर आ जाती है, इसलिए हम इलायची ही डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, कॉर्नफ्लावर तो अच्छी तरह से मिल चुका है, पर चीनी अभी नहीं मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं और अपनी गैस को जला लेते हैं। और आंच एकदम धीमी रखिएगा फ्रेंड्स, तेज नहीं रखिएगा, और धीमी आंच में लगातार इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो ये क्या होता है ना, नीचे बैठ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में ये मेरा अच्छी तरह से गाढ़ा पेस्ट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब चलिए कर देते हैं गैस को बंद। तो फ्रेंड्स, इसको सेट करने के लिए मैंने ये प्लास्टिक का बर्तन लिया है फ्रेंड्स। तो आप इसके जगह स्टील के भी बर्तन ले सकते हैं फ्रेंड्स, या आप जिसमें केक बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। तो मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब अपने बैटर को इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बैटर को डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा फैला लेते हैं। अब इसको थोड़ा पटक लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो नीचे में जगह खाली होगी वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए इसको अब 1 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा ये सेट हुआ है कि नहीं। तो इस तरह के प्लेट हम ले लेंगे फ्रेंड्स, और उसमें इसे हम डालेंगे। तो ये देखिए, आराम से निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं होती फ्रेंड्स, ना ही चिपकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम गार्निश करने वाले हैं। तो नारियल के बुरादे से हम करेंगे। तो चलिए नारियल का बुरादा चारों तरफ हम डाल देते हैं। तो ये देखिए, मैंने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिस्ते भी डाल दिए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो अपने घर पे फटाफट से बनाइए ये केक की रेसिपी फ्रेंड्स, 5 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी, और आपके बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं काट के आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छे से ये कट जाती है। तो इसे हम हाथ से भी आपको दिखाएंगे कि ये हाथ में नहीं चिपकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट है, एकदम अच्छा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी। तो समय को वेस्ट नहीं करिए, और जाइए फटाफट से किचन में अपने बच्चों के लिए ये हेल्दी केक बनाइए। तो फ्रेंड्स, मेरी केक की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं करना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा, ताकि आप हमारी नई नई वीडियो देख पाए। तो मिलते रहेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।